केपलर का पहला नियम सूर्यमंडल के ग्रहों की भ्रमण कक्षा अथवा ऑर्बिट संबंधित है, और उसने ऐसा कहा है कि सूर्यमंडल के ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द लंबोतर मार्ग में घूमते हैं। लंबोतर मार्ग का मतलब क्या है? अंग्रेजी में हम इसे एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ये लंबोतर अर्थात दीर्घ वृत्त में दो नाभियां होती है। भ्रमण करने वाली किसी भी वस्तु के दो नाभियों के बीच का फासला कुल मिलाकर स्थायी होना चाहिए। ऐसा जब होता है तब उस वस्तु का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार अर्थात लंबोतर होता है। दीर्घ वृत्त ये एक कॉनिक सेक्शन अर्थात शंकु आकार से बना हुआ एक हिस्सा होता है। यहां दो शंकु बनाए हैं और इन शंकुओं को भेदने वाले प्रतल दिखाए हैं। ये प्रतल अगर शंकु के तलहटी में शंकु को समांतर भेदते होंगे तो वो भेदा हुआ हिस्सा गोल दिखाई देता है, अर्थात वहां पर तैयार होने वाला वो भेदित हिस्सा एक वृत्त है। अगर इसके विपरीत प्रतल थोड़ा सा कोण करके उस शंकु को भेदता है तो वो भेदित हिस्सा अनुवृत्ताकार अर्थात पैराबोलिक तैयार होता है। आप क्रिकेट की मैच देखते समय दूर का खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक अगर यष्टि रक्षक मतलब विकेट कीपर की ओर गेंद फेंकता है तो उस समय वो गेंद जिस मार्ग से भ्रमण करती है वो है अनुवृत्ताकार अर्थात पैराबोलिक। अर्थात शुरुआत में उसका जमीन से होने वाला अंतर लगभग शून्य होता है, फिर वो बढ़ते जाता है और फिर कम से कम होते जाता है, और यष्टि रक्षक के पास गेंद पहुंचने पर वो अंतर लगभग शून्य हो जाता है। तीसरे प्रकार में अगर ये प्रतल कोई विशिष्ट कोण करके शंकु को भेदता है तो यहां वृत्त अथवा पैराबोलिक तैयार न होते हुए लंब या दीर्घ वृत्त तैयार होता है। इसलिए ये तीसरा कॉनिक सेक्शन है दीर्घ वृत्त। पहला भेदित हिस्सा वृत्त, दूसरा अणुवृत्त अथवा पैराबोला, और तीसरा भेद दीर्घ वृत्त अथवा एलिप्स, और चौथे प्रकार में होता है अतिपरिवलय अथवा हाइपरबोला। अब इनमें केपलर ने कहा कि ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, साथ ही में कुछ धूमकेतु कॉमेट भी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से घूमते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए वो कुछ सालों बाद बार बार दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण है हेलेस कॉमेट, हेले का धूमकेतु, हर 76 साल बाद हमें दिखाई देता है। भ्रमण कक्षा भी लंबोतर या लंब वृत्ताकार है। कुछ धूमकेतु तो एक ही बार दिखाई देते हैं और फिर वापस दिखने की संभावना भी नहीं होती। वे सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं, सूर्यमंडल में सूर्य की परिक्रमा करके वे वापस आ जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। उनकी भ्रमण कक्षा अणुवृत्ताकार अथवा पैराबोलिक होती है। केपलर ने अपने पहले नियम में कहा था कि पैराबोलिक ग्रहों की भ्रमण कक्षा लंब वृत्ताकार अथवा एलिप्टिकल होती है और उनके किसी भी एक नाभि पर सूर्य होता है।